नागपुर महानगर पालिका अंतर्गत कार्य करने वाली कचरा प्रोसेसिंग कंपनी जिम्मा ग्लोबल एनवायरन सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा वर्षों से सैकड़ों कामगारों का आर्थिक व मानसिक शोषण किया जा रहा है। नियमों की अवहेलना की हद पार करते हुए 1 मई कामगार दिवस के दिन कामगारों को सरकार द्वारा प्रशासनिक अवकाश घोषित होने के बावजूद कंपनी ने कामगारों को काम पर हाजिर होने का तुगलकी फरमान जारी किया। कामगारों की सूचना के बाद शिवसेना शहर प्रमुख नितिन तिवारी के नेतृत्व में शिवसैनिकों ने भाड़ेवाड़ी स्थित कंपनी गेट पर सैकड़ों कामगारों के साथ काम बंद आंदोलन किया। आज कामगारों की तमाम समस्याओं को लेकर अपर कामगार आयुक्त नितिन पाटनकर को शिकायत करते हुए तिवारी ने बताया कि संबंधित कंपनी द्वारा वर्षों से कार्यरत कामगारों को किमान वेतन, पगारी छुट्टी का वेतन, ओवरटाइम वेतन, मास्टर कार्ड ना देते हुए आर्थिक शोषण के साथ साथ बीमा सुविधा ना मिलने, सेफ्टी इक्विपमेंट ना मिलने, गंदे कचरे में कार्य करने के बावजूद मासिक मेडिकल ना करवाने जैसा मानसिक शोषण भी किया जा रहा है, जिसके लिए कंपनी के साथ साथ नागपुर महानगर पालिका के वे अधिकारी जिनकी उदासीनता के चलते ये चल रहा है वे भी जिम्मेदार है। मैं नितिन तिवारी, जिग्मा कंपनी जो नागपुर महापालिका के अंतर्गत, नागपुर महानगर पालिका के अंतर्गत काम करने वाली जिग्मा कंपनी के ये कामगार जो कचरे प्रोसेसिंग का काम करते हैं, शहर का पूरा एकत्रित कचरा उसको प्रोसेसिंग करने का, अपनी जान को जोखिम में डालकर, अपने आरोग्य को जोखिम में डालकर ये अपना काम करते हैं, परंतु मनपा के अंतर्गत काम करने वाली जिग्मा कंपनी इन कामगारों को इनका मूल वेतन नहीं देती, किमान वेतन नहीं देती, इनको सेफ्टी इक्विपमेंट नहीं देती, हफ्ते में कोई भी छुट्टी इन्हें नहीं मिलती, 12 घंटे इनसे काम कराया जा रहा है और नियम की अवहेलना करके इनका ESIC सुविधा नहीं है, मतलब मेडिकल सुविधा भी इनकी नहीं है, कल को इनको या इनके परिवार वालों को कुछ हो जाए तो उसकी कोई सुविधा नहीं है। इसका मतलब नियम को ताक पर रखकर कामगारों की, नियमों की अवहेलना करके जिग्मा कंपनी नागपुर महानगर पालिका की गोद में बैठकर खेल रही है और इन गरीब कामगारों को, झोपड़पट्टी के इन युवाओं के साथ अत्याचार किया जा रहा है। संपूर्ण शिकायत आज नागपुर महानगर पालिका के अपर कामगार आयुक्त नितिन पाटनकर साहब को प्रस्तुत किया गया। पाटनकर साहब ने तुरंत एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हुए तुरंत नागपुर महानगर पालिका को नोटिस इशू किया है। 10 तारीख को जिग्मा कंपनी के मैनेजमेंट, यदि ठेकेदार होंगे तो उनके साथ बैठक लगाई है और कामगारों को यदि न्याय नहीं मिलेगा तो नागपुर महानगर पालिका में जिग्मा का काम करना मुश्किल हो जाएगा। यह शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे की तरफ से चेतावनी है। जय भवानी, जय सुभानी, जय भवानी, जय सुभानी, अमेरिका जिंदाबाद, 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 आज तो शिकायत पर गंभीरता से संज्ञान लेते हुए पाटनकर ने मनपा आयुक्त और कंपनी मैनेजर को नोटिस जारी करते हुए 10 मई को कामगार कार्यालय में बैठक के निर्देश दिए। इस अवसर पर युवा सेना जिला प्रमुख प्रीतम कापसे, भूपेंद्र कठाने, शिवसेना विभाग प्रमुख अंकुश भोफते, हरीश रामटेके, सतीश पूरे, आशीष हारगे, भास्कर कायरकर, प्रवीण कातकेड़े, ललित बावनकर, रमेश कायरकर, प्रकाश लाजेवार, विनय फूलझले, वृतांत बावनगढ़े के साथ सैकड़ों कामगार उपस्थित थे। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज नागपुर।